हेलो इंजीनियर्स, मैं सुशील कुमार सिंह कॉन्फिडेंस क्लस्टर में एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं। आज का वीडियो है बेसिक्स ऑफ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स इन हिंदी पार्ट 9, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। सदियों पहले एक महान वैज्ञानिक द ग्रेट साइंटिस्ट सर आइजक न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए थे। 3 ऐसे नियम जो ब्रह्मांड के छोटे से छोटे वस्तु से लेके बड़ा सा बड़ा सैटेलाइट, प्लैनेट, स्टार्स, गैलेक्सीज, हर जगह वो नियम लागू होते हैं। वो नियम जिसको हम लोग बचपन से क्लास 6 7 से लेके पढ़ते आए हैं, क्लास 9 10 में भी पढ़े, 11 12 में भी पढ़े हैं, और आज हम लोग इंजीनियरिंग में भी पढ़ रहे हैं। गति के वो तीनों नियम, मोशन के वो तीनों लॉज इस प्रकार हैं। आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। अ बॉडी कंटिन्यू इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन अनलेस अ नेट एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी पार्टिकल या कोई भी वस्तु, कोई भी बॉडी यदि रुकी हुई है तो रुकी हुई रहेगी, या फिर चल रही है तो बिल्कुल उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी तब तक जब तक उस पर बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे। एक्सटर्नल, यहाँ पे मैंने लिखा है नेट एक्सटर्नल फोर्स, मतलब एक्सटर्नल फोर्स नेट एक्सटर्नल फोर्स होना चाहिए। मतलब कि यदि इस तरफ से 10 किलो न्यूटन लगा और इधर से भी 10 किलो न्यूटन लगा, इसका मतलब एक्सटर्नल फोर्स तो लगा लेकिन नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा, और उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट पे कोई चेंजेस नहीं होगा। मतलब कि वो यदि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा और मोशन में है तो मोशन में रहेगा, ठीक है। मतलब यदि एक्सटर्नल कोई फोर्स लग गया, नेट फोर्स किसी एक डायरेक्शन में, तो फिर वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो मूव कर सकती है, या फिर मूव मोशन में है तो रेस्ट में आ सकती है, या फिर मोशन चेंज हो सकता है, उसका वेलोसिटी चेंज हो सकता है। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट यदि रुकी हुई है तो तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे, या फिर चल रही है तो बिल्कुल उसी वेलोसिटी से, उसी यूनिफॉर्म मोशन से, उसी लाइन पे तब तक चलती रहेगी जब तक बाहर से कोई फोर्स ना लगे। सेकेंड लॉ क्या कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब कि मोमेंटम को हिंदी में संवेग बोलते हैं। मोमेंटम का जो चेंज का रेट है, मोमेंटम जो चेंज होता है उसका रेट जो है वो नेट फोर्स जो ऑब्जेक्ट पे लग रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसको हम लोग डिटेल में अभी देखने वाले हैं कुछ देर बाद। तीसरा लॉ क्या बोलता है, एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। मतलब कोई भी एक्शन हुआ है, एक्शन का मतलब यहां पर है फोर्स से, यदि कोई भी फोर्स लगा तो बिल्कुल उसके अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही अमाउंट में एक वापस से फोर्स लगेगा। कैसे वो देखते हैं, जैसे ये बोर्ड है, मैंने इस पे अंदर की तरफ एक फोर्स लगाया, ऐसे एक फोर्स लगाया, तो जैसे ही मैंने इस पे फोर्स लगाया, जितना फोर्स लगाया सेम उतना ही फोर्स ये बोर्ड भी मार्कर पे लगा रही है सेम अमाउंट में, पर उसका डायरेक्शन उल्टा है वापस। यदि फोर्स ये बोर्ड पे इस तरफ फोर्स लग रहा है तो बोर्ड इस पे इस तरफ फोर्स लगाएगी। यदि हम जमीन पे खड़े हैं तो हम जमीन पे नीचे की तरफ फोर्स लगा रहे हैं तो जमीन भी हम पे ऊपर की तरफ फोर्स लगा रही है, पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, सेम अमाउंट में रिएक्शन होगा। उसी को जो वापस से फोर्स लगता है उसको हम लोग रिएक्शन बोलते हैं, और पहला फोर्स जो लगता है उसको एक्शन बोलते हैं। यहां पर एक और गौर करने वाली बात है कि एक्शन और रिएक्शन एक ही इंस्टेंट पे होता है। ऐसा नहीं है कि अभी मैंने किसी पे एक फोर्स लगाया तो उसके बाद दूसरा फोर्स लगाएगी, ऐसा नहीं होता है। दोनों फोर्स एक साथ लगता है, जैसे ही मैंने इस पे लगाया सेम उसी इंस्टेंट पे उधर से भी रिएक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। ये हमारे गति के तीनों नियम थे। जिन लोगों को भी साइंस से प्रॉब्लम है, जो लोग साइंस को टफ समझते हैं, या फिर ये समझते हैं कि ये सब्जेक्ट बिना मतलब का पढ़ रहे हैं, इसका कोई यूज नहीं है लाइफ में, तो उनके लिए मैं बता दूं कि ये तीनों नियम का यूज साइंस के साथ साथ हमारे डेली लाइफ में भी है, हर जगह ये रूल अप्लाई होता है। पहले देखते हैं कि हम लोग इस सब्जेक्ट में इसको कहाँ अप्लाई करने वाले हैं। हमारा पहला लॉ जो है, हमारा नहीं मतलब न्यूटन का दिया हुआ जो कि अब सबके लिए है, वो
कोई ऑब्जेक्ट रुकी हुई है तब तक रुकी हुई रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। यदि चल रही है तो तब तक उसी वेलोसिटी से चलती रहेगी जब तक उस पर बाहर से कोई फोर्स ना लगे। इसका यूज हम लोग करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम में। जब भी हम लोग देखते हैं कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है और अब भी रेस्ट में ही है, या फिर सपोर्ट रिएक्शन निकालना है उस कंडीशन में, सब कुछ रुकी हुई है इक्विलिब्रियम में है, तो हम लोग इस नियम से ये जान जाते हैं कि उस पर कोई नेट फोर्स नहीं एक्ट कर रही है। मतलब हर डायरेक्शन में उस पर फोर्स जो है वो बराबर लग रहा है और इसलिए वो ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रही है, क्योंकि किसी भी एक डायरेक्शन में फोर्स लग गया तो वो फिर उस डायरेक्शन में चल देगी, वो स्टेट ऑफ रेस्ट में नहीं रह सकती है। तो यदि वो रुकी हुई है, वो यदि इक्विलिब्रियम में है, हिल डोल नहीं रही है, तो इससे ये पता चलता है कि उस ऑब्जेक्ट पे नेट फोर्स जो है वो जीरो है, किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रहा है। और इससे हम क्या करते हैं कि कुछ डेटा के हेल्प से हम लोग, एक डेटा पता रहता है तो हम लोग दूसरा फोर्स निकाल लेते हैं दोनों तरफ के फोर्स को बराबर करके। अब हमारा दूसरा नियम जो है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब मोमेंटम का जो चेंज होने का रेट है वो उस पर नेट फोर्स जो लग रही है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब नियम ये सुनने में थोड़ा अलग लगता है, पर सबसे ज्यादा यूज मैकेनिक्स का, लगभग आप जितना क्वेश्चन बनाते हैं लगभग हर एक क्वेश्चन में ये रूल अप्लाई होता है। इससे एक बहुत ही बढ़िया फॉर्मूला निकलता है जो कि हर एक क्वेश्चन का दवा है। देखते हैं कैसे होता है। बोल रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वो नेट फोर्स के। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सॉरी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ये का मतलब क्या हुआ? मोमेंटम जो होता है, चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, मतलब एम इंटू वी, ठीक है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम क्या हो जाएगा? मान के चलिए अभी मोमेंटम कुछ है और आगे इसके बाद मोमेंटम कुछ दूसरा होगा। तो मान लीजिए मास तो कांस्टेंट रहता है, तो अभी वेलोसिटी यदि v1 है, बाद में वेलोसिटी बढ़ के v2 हो जाता है या घट के भी v2 हो सकता है, वो चेंज हो रहा है। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? mv1 - mv2। ये पहले मोमेंटम था, ये बाद में मोमेंटम है, तो चेंज क्या होगा? सॉरी, इसको v2 कर देते हैं, क्योंकि रेट ऑफ चेंज जो होता है वो फाइनल माइनस इनिशियल होता है, ठीक है। तो मेरा पहले मोमेंटम ये था, अब चेंज होके इतना हो गया, तो चेंज मोमेंटम का चेंज कितना हुआ? mv2 - mv1, ठीक है, क्योंकि मास तो कांस्टेंट है। तो पहला मान लेते हैं पहले mv1 मोमेंटम था, अब mv2 हो गया, तो ये हो गया चेंज ऑफ मोमेंटम। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या होगा? मतलब पर सेकंड कितना मोमेंटम चेंज हो रहा है, तो उसको हम टी से डिवाइड कर देंगे टाइम से, तो वो आ जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। तो हम इसको टाइम से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यहां से हम लोग एम कॉमन ले लें यदि, तो v2 - v1 डिवाइडेड बाय टी। अब देखिए ये चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है, और डिवाइडेड बाय टाइम। तो जब चेंज इन वेलोसिटी को हम लोग टाइम से डिवाइड करते हैं, याद कीजिए उसमें हम लोग जो काइनेमेटिक्स में पढ़े थे उसको हम लोग एक्सेलरेशन बोलते हैं। हम वेलोसिटी चेंज हो रहा है पर सेकंड, पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी कितना चेंज हो रहा है, तो उसी को हम लोग एक्सेलरेशन बोलते थे। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं एम इंटू ए, ठीक है, एक्सेलरेशन को हम ए से डिनोट कर रहे हैं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो है वो हमारा आ गया एम इंटू ए। अब बोल क्या रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। मतलब एम इंटू ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। हम नेट फोर्स को बोल देते हैं एफ, हम लोग एफ से डिनोट करते हैं यदि, तो इसका मतलब हो गया फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास इंटू एक्सलरेशन, ठीक है। और हम लोग बचपन से जानते हैं कि कांस्टेंट का टर्म, प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट लगा देते हैं, तो एफ इक्वल्स टू मान लेते हैं कांस्टेंट जो है वो के है इंटू एम इंटू ए। हमारे पास ये एक फॉर्मूला बना, ठीक है। अब फोर्स अभी अभी इंट्रोड्यूस हुआ है, हमको मास का यूनिट पता है, एक्सेलरेशन का यूनिट पता है, तो हम लोग इसको कुछ
कोशिश करते हैं कि के जो है वो एक एक्स्ट्रा टर्म ना आए, उसको हटाएं कैसे, तो हम लोग एम और ए के टर्म में एफ का यूनिट सेट कर दें यदि, तो यहाँ से के हट सकता है। कैसे होता है ये शायद आप लोगों को पता होगा, नहीं पता होगा तो अभी एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ये हो गया हमारा फोर्स इक्वल्स टू के इंटू एम इंटू ए, जहाँ पर के एक कॉन्स्टेंट है। तो हम लोग क्या मानते हैं कि मान लीजिए फोर्स जो है, ठीक है, मास हुआ किलोग्राम में, एक्सेलरेशन हुआ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। तो हम लोग ये मानते हैं कि जब 1 किलोग्राम पे का एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो, तो वैसे केस में जो है हमारा फोर्स जो होगा वो 1 न्यूटन हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग फोर्स का यूनिट न्यूटन रखते हैं, तो उसको यूनिट सॉरी ये क्या है फोर्स, हाँ यूनिट फोर्स जो है मतलब 1 न्यूटन फोर्स, वो तब होगा जब हमारा मास 1 होगा और एक्सेलरेशन भी 1 होगा, 1 किलोग्राम और 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऐसे में क्या हो जाएगा कि मान लीजिए 1 न्यूटन इक्वल्स टू, ये 1 इक्वल्स टू हो जाएगा के इंटू 1 किलोग्राम और इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा के का वैल्यू आ जाता है 1, और जब के का वैल्यू 1 आ जाता है तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बन जाता है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला है फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, ये एक रामबाण है मैकेनिक्स के, हर एक क्वेश्चन में घुस जाता है। आपको ये फॉर्मूला पहले से याद ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। एक बार फिर कैसे आया वो देख लिए, जो कि न्यूटन के सेकेंड लॉ से आता है, और ये लगभग मैकेनिक्स के हर क्वेश्चन में अप्लाई हो जाता है। अब न्यूटन का तीसरा गति नियम, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है, एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। कोई भी एक्शन होता है तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट में रिएक्शन फोर्स लगता है। मतलब यदि एक टेबल पे कोई बुक रखी हुई है, तो बुक टेबल पे नीचे की तरफ एक फोर्स लगा रही है, और उतना ही अमाउंट में टेबल भी बुक के ऊपर फोर्स लगा रही है पर ऊपर की तरफ, और ये फोर्स डायरेक्शन में उल्टा होता है और सेम मैग्नीट्यूड का होता है, इसलिए नेट फोर्स 0 हो जाता है, और यही कारण है कि वो ऑब्जेक्ट एक जगह पे रुकी हुई रहती है। ये फोर्स एक बार फिर से बता दें कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों एक ही इंस्टेंट पे लगता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पहले एक्शन हुआ फिर रिएक्शन होगा, नहीं, जिस इंस्टेंट पे एक्शन हो रहा है एक्शन फोर्स, सेम उसी इंस्टेंट पे उसी क्षण रिएक्शन फोर्स भी लग रहा है। मान के चलिए एक ऑब्जेक्ट पे, एक टेबल पे एक बुक रखी हुई है, तो ऊपर से एक टेबल के ऊपर एक फोर्स लग रहा होगा F1, तो सेम जो कि बुक का वेट है, तो सेम फोर्स जो है नीचे से भी लगेगी, जहाँ पर F1 जो है वो F2 के इक्वल होगा। और इससे क्या होता है कि हमारा ऊपर और नीचे दोनों तरफ फोर्स बराबर हो गया, तो नेट फोर्स इस पर 0 है, इसलिए ये रुकी हुई है तो रुकी हुई रह रही है। यदि इससे कम फोर्स लगाती, यहाँ पर थर्ड लॉ जो बोल रहा है कि एक्शन जो है रिएक्शन उतना ही होगा, सोचिए यदि रिएक्शन उतना ही नहीं होता, यदि सेम रिएक्शन नहीं होता, रिएक्शन का वैल्यू कम या ज़्यादा होता तो क्या होता, यदि F1 से कम रिएक्शन होता तो मतलब नेट फोर्स जो है वो नीचे की तरफ हो जाती, और नेट फोर्स यदि नीचे की तरफ होती जैसे ही बस वो नीचे की तरफ ऑब्जेक्ट चल देती, वो वहाँ पे रुकी हुई नहीं रह सकती थी। यदि F2 बड़ी होती F1 से तो ये फिर ऑब्जेक्ट ऊपर की तरफ चली जाती, पर ये ना तो नीचे जा रही है टेबल से ना ही टेबल के ऊपर जा रही है, वो स्टिल टेबल पे रुकी हुई है। तो वो इसलिए हो रहा है क्योंकि एक्शन फोर्स और रिएक्शन फोर्स एक दूसरे के बराबर और अपोजिट डायरेक्शन में है। हमारे पास एक क्वेश्चन है, अ फोर्स ऑफ अननोन मैग्नीट्यूड एक्ट ऑन अ बॉडी ऑफ मास 150 किलोग्राम एंड प्रोड्यूस एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, फाइंड द फोर्स। एक अननोन मैग्नीट्यूड का फोर्स है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रही है जिसका मास 150 किलोग्राम दिया हुआ है, और उस 150 किलोग्राम मास को 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है। तो हमारे पास गिवन क्या है, फोर्स जो कि 150 किलोग्राम है, जिसको कितना एक्सेलरेशन दे दिया, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सॉरी फोर्स नहीं है, ये मास, हमको मास दिया हुआ है, मास जो है वो 150 किलोग्राम है और एक्सेलरेशन 150 किलोग्राम मास को
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से एक्सेलरेशन दे दिया गया। तो यहाँ पे हमसे पूछ रहा है कि फोर्स क्या होगा, ठीक है। हम लोगों ने न्यूटन के सेकेंड लॉ में क्या देखा था कि फोर्स जो है वो होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, मतलब मास हो गया 150 किलोग्राम इंटू 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हमारा 450 किलो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को हम लोग न्यूटन भी बोलते हैं, तो 450 न्यूटन, ये हमारा आंसर हो गया। ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। हमारे पास एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, द वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज 980 न्यूटन, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ इज 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वॉट विल बी द वेट ऑफ बॉडी ऑन द मून एंड द सन। दिया हुआ क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, एक बॉडी है जिसका वेट धरती पे 980 न्यूटन है, ठीक है, तो उसका वेट चांद पे कितना होगा और सूरज पे कितना होगा, और दोनों का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दिया हुआ है। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ मून इज 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और सन पे जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 270 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। आप लोग जानते हैं कि मास जो है वो कॉन्स्टेंट है, पूरे यूनिवर्स में मास चेंज नहीं हो सकता है, वो कहीं किसी भी ग्रह पे लेके चले जाइए, किसी भी अंतरिक्ष में कहीं भी लेके चले जाइए, मास जो है जितना है उतना ही रहेगा। वेट जो है उसका चेंज होता है डिपेंडिंग अपॉन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ नियरेस्ट ऑब्जेक्ट, मतलब जहां पर भी है वो, जिस भी प्लैनेट पे है उस प्लैनेट के एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के हिसाब से उसका वेट होता है। अब देखते हैं हम लोग का कि इसका वेट कितना होगा, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है उसका वेट जो है अर्थ पे, चलिए हमको दिया हुआ क्या है कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ, इसको हम लोग जी ई से डिनोट करते हैं, ठीक है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी को, और ई टेंड्स टू अर्थ, तो वो दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। अब चांद पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून पे, वो है 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसको हम लोग जी एम से डिनोट करते हैं, तो वो हो जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये डेटा गिवन है। और सन पे हमको दिया हुआ है तो उसको जी एस से डिनोट कर देते हैं, वो हो जाता है 270 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक और चीज दिया हुआ है, उसका फोर्स जो है वेट जो है उस अर्थ पे, उसको हम लोग डब्ल्यू ई से डिनोट कर देते हैं, वो हमें दिया हुआ है 980 न्यूटन, ठीक है। अब इस दोनों के हेल्प से हम इस ऑब्जेक्ट का वेट निकाल सकते हैं, मास निकाल सकते हैं, वेट दिया हुआ है, वेट का क्या होता है फॉर्मूला, मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एम जी। किसी भी ऑब्जेक्ट का जितना मास है उसके एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वहाँ का वेट आ जाता है, एम इंटू जी जो है वही वेट होता है। तो हमारा वेट जो है, वेट ऑन अर्थ इज इक्वल्स टू मास इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ, हमको ये दिया हुआ है वेट जो दिया हुआ है वो 980 दिया हुआ है अर्थ पे, तो 980 इक्वल्स टू मास जो है वो हमको नहीं पता है, तो m इंटू ग्रेविटी ऑन अर्थ कितना दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और इधर न्यूटन, तो मास जो हो जाएगा वो हो जाएगा 980 है डिवाइडेड बाय 9.8, ये हो जाएगा किलोग्राम में, तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिवाइड करिए तो ये हो जाएगा 100 किलोग्राम, ठीक है। अब हमको यहां से उस ऑब्जेक्ट का मास पता चल गया 100 किलोग्राम। अब मास तो चेंज होता नहीं है, मास तो कांस्टेंट है, चाहे उसको आप मून पे लेके चले जाइए या सन पे लेके चले जाइए, मास जो है वो 100 किलोग्राम ही होगा। अब हमको मास जब पता चल गया और ग्रेविटी दिया हुआ है तो उस हिसाब से वहां का वेट निकल जाएगा उस जगह पे, मून पे और सन पे, तो चलिए हम लोग निकालते हैं वेट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन मून, वो क्या हो जाएगा, मास इंटू ग्रेविटी ऑन मून, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मून, तो हमारा मास कितना है 100 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना दिया हुआ है 1.6, तो हमारा मून पे वेट जो हो जाएगा वो हो जाएगा 160 न्यूटन, ये हो गया हमारे आंसर।
अब दूसरे पार्ट में पूछ रहा है कि उसका वेट जो है वो सन पे क्या होगा। तो उस ऑब्जेक्ट का वेट मान लेते हैं सन पे, उसको डब्ल्यू एस से डिनोट कर देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, मास इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन सन। मास तो कॉन्स्टेंट है वो 100 किलोग्राम, और इंटू एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 270 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 270 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 270, 270 और 0 0 इतना हो गया, मतलब 27,000 न्यूटन। इसको हम लोग 27 किलो न्यूटन भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वेट, वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन सन 27 किलो न्यूटन, और मून पे हो गया 160 न्यूटन, ये आंसर हो गया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का कॉन्सेप्ट, उसका थ्योरी, सब कुछ जो पहले से पता ही था वो एक बार फिर से याद आ गया होगा, नहीं पता था तो समझ में भी आ ही गया होगा। उसका न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करते हैं वो एक बेसिक न्यूमेरिकल, दो बेसिक बेसिक न्यूमेरिकल हम लोगों ने सीख लिया, और इस चैप्टर का न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का एडवांस न्यूमेरिकल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।